है पूरे राजस्थान को शर्मसार कर देने वाली घटना। झुंझुनू और सीकर के बाद अब जयपुर में दिन दहाड़े छठी क्लास में पढ़ने वाली 11 वर्षीय बालिका से सामूहिक दुष्कर्म करने का मामला सामने आया। वारदात में शामिल दो आरोपियों को मंगलवार को मालपुरा गेट थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उनको आज कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा। वारदात के बाद फरार हुए एक आरोपी को पुलिस ने तब पकड़ा जब वह परीक्षा देने स्कूल जा रहा था। डीएसपी हरेंद्र मावर ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी अंशु कुमार सिहल सवाईमाधोपुर जिले में बोली का रहने वाला है। जयपुर में मालपुरा गेट कृषि नगर में रहता है। दूसरा आरोपी राजकुमार नगर बूंदी जिले में नेनुआ क्षेत्र के पांडुला का रहने वाला है। वह भी मालपुरा गेट इलाके में किराए से रहता है। ये दोनों ही आरोपी एक फैक्ट्री में काम करते हैं। दोनों में गहरी दोस्ती है। इनमें राजकुमार शादीशुदा है। अंशु सिवल एक ओपन यूनिवर्सिटी से 10वीं कक्षा की पढ़ाई कर रहा है। सहेली के साथ जाते वक्त बहलाकर जालाना के जंगलों में ले गए। पुलिस के मुताबिक 11 वर्षीय बच्ची के पिता ने 18 अक्टूबर को मालपुरा गेट थाने में मुकदमा दर्ज करवाया। इसमें बताया कि 16 अक्टूबर को उनकी बेटी घर से कुछ दूर अपनी सहेली के घर जा रही थी, तभी राजकुमार और आंशु सिहल ने उसे अकेला देख दोनों ने बच्ची को बहला फुसलाकर अपने साथ बाइक पर बैठा लिया। इसके बाद जगतपुरा होते हुए यूनिवर्सिटी जालना के जंगलों में ले गए। वहां सुनसान पाकर बालिका के साथ दोनों युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म किया। घर पहुंचने पर मां को बताई आप भी थी तो सहम गए परिजन। इसके बाद बच्ची को डरा धमकाकर छोड़कर भाग निकले। वारदात के बाद बच्ची घर पहुंची, तब उसकी हालत देखकर माता पिता को पता चला तब ये सहम गए। वे बच्ची को लेकर थाने पहुंचे और केस दर्ज कराया। इसके बाद एसपी नेमीचंद खारिया मालपुरा गेट थाना प्रभारी रायल सिंह सब इंस्पेक्टर अनिल शर्मा के नेतृत्व में गठित टीम ने बच्ची के बयान लेकर दोनों आरोपियों को नामजद किया। इसके बाद पहले राजकुमार को पकड़ा, उससे पूछताछ में अंशु कुमार सिहल का पता चला, तब उसे 10वीं क्लास की परीक्षा देते जाते समय रास्ते में पकड़ा।